पीछे हमने सेल्फ इंडक्शन देखा, अब म्यूचुअल इंडक्शन देखे। सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा कि एक कॉइल होती है और इस कॉइल से अगर हम लोग चेंजिंग करंट भेजते हैं तो इस कॉइल के सराउंडिंग में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल से लिंक होते हुए यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो एक उसी कॉइल से जाने वाला करंट अगर चेंज होता है तो उसी कॉइल के सराउंडिंग में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवाता है। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब जहां पे दो कॉइल्स, टू कॉइल्स, जैसे मान लो हम इसे चाहे तो प्राइमरी और सेकेंडरी जैसा बता सकते हैं। ऑलरेडी हमने ट्रांसफार्मर के बारे में जाना है सेमीकंडक्टर्स में। तो यहाँ पे एक सिस्टम बन गई है इस तरह की, एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये एक कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, ये सेकेंडरी बोल सकते हैं उसको। यहाँ से हम लोग वेरिएबल रजिस्टर लगा रहे, बैटरी लगा रहे। मान लो यहां से जाने वाला करंट हम लोग अगर चेंज करते हैं, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर को चेंज करके या फिर बैटरी को चेंज करके, अगर हमने चेंजिंग करंट इस कॉइल से भेज दिया, इस कॉइल के सराउंडिंग में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, इस कॉइल के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा ही होगा, लेकिन ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पड़ोस वाली कॉइल को लिंक होगा और पड़ोस वाली कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो करंट में चेंज हो रहा है प्राइमरी में, लेकिन उसका इफेक्ट जा रहा है सेकेंडरी में, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड produced due to primary coil causes EMF to be induced in secondary. So देखो primary में current change हुआ, इसीलिए primary के अंदर changing magnetic field produce हुआ, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसे लिंक हो रहा है, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी में भी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा यहाँ पे ईएमएफ। और आप चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से, आप नोट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा मोमेंटरी, जब करंट चेंज होगा उस इंस्टेंट पे यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर कैन शो द डिफ्लेक्शन, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ईएमएफ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस हुआ है। तो इस तरह का जो इंडक्शन है जो एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में हो रहा है, इसे हमने नाम दिया म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, अब इसके रिलेटेड हम कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं, मान लो ये एक प्राइमरी कॉइल है, यहाँ एक स्विच लगा है, बैटरी लगी और यहाँ पे उसके आसपास में सेकेंडरी कॉइल है और ये क्या है, ये ऊपर का वायर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये सेकेंडरी, ये एक सिस्टम बन गया, ये दोनों कॉइल पास पास में इस तरह की, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसे भी क्या होगा, लिंक होगा। मान लो यहाँ स्विच ओपन है अभी, कोई करंट नहीं जा रहा है यहाँ से, और हमने स्विच क्लोज कर दिया, सडनली हम चाहेंगे कि यहां से करंट सर्कुलेट, ये करंट यहां से धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इस कॉइल के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये सब हमने देखा है सेल्फ इंडक्शन। लेकिन इस कॉइल के आसपास जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस कॉइल को भी लिंक कर रहा है, तो इस कॉइल में फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि उसके ही कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस ईएमएफ की वजह से जब यहां से करंट बूस्ट होगा, देखो यहां से करंट इस तरह इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली और बाद में सेटल होने वाला है, जब करंट इंक्रीज हो रहा है उस वक्त चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग फील्ड इस कॉइल से लिंक हो रहा है, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब बाद में क्या होगा, बाद में करंट सेटल हो जाएगा प्राइमरी से, यहां से मैग्नेटिक फील्ड सेटल हो जाएगा, तो अगर
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा तो सेकेंडरी में कोई ईएमएफ नहीं बचेगा, प्राइमरी में भी कोई ईएमएफ नहीं बचेगा, हालांकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड रहे, वो बात अलग है। अब गैल्वेनोमीटर स्पीड से जीरो डिफ्लेक्शन देगा। अब मान लो आपने स्विच ओपन करने, आपके स्विच ओपन करते ही क्या होगा, करंट सडनली डिक्रीज होगा प्राइमरी से। उस वक्त भी प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हमने देखा था सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन इस डिक्रीजिंग करंट की वजह से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो इसे लिंक करेगा। इस वक्त भी यहाँ ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो चाहेगा उसके ही कॉज को अपोज करना, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ दूसरे डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। एनीवे, इस तरह का जो इंडक्शन हुआ सेकेंडरी में, देखो यहाँ दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड है। कैसे कपल्ड है, मैग्नेटिकली। जनरली अगर आप ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, और यहाँ एक कोर बना होता है आयन का, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, प्रॉपरली सर्कुलेट कर सके। तो इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ अगर हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ भी एसी सप्लाई देखने को मिलता है। हम दो टाइप के, आगे हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन हमें बनाना, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बनाई थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। अब हमें जानना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, वेरी सिमिलर टू सेल्फ इंडक्टेंस। इसका भी यूनिट हेनरी है। तो यहां पे एक सिस्टम मान ली गई, मान लो ये एक प्राइमरी कॉइल है हैविंग n1 नंबर ऑफ टर्न्स, और यहां एक सप्लाई, और हम लोग ये सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, तो हम यहां से क्या सेंड करना चाहते हैं, चेंजिंग करंट सेंड कर रहे हैं, चेंजिंग। तो इस सिस्टम के अंदर कोई भी इंस्टेंट पे, मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टेडी स्टेट अज्यूम करते हैं, मान लो कि यहां से एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है I1, और यहां इसके सराउंडिंग में Φ1 फ्लक्स, देखो Φ1 इज व्हाट, फ्लक्स पर यूनिट टर्न ड्यू टू प्राइमरी। देखो सप्लाई हमने प्राइमरी को दिया है और यहाँ से एक स्टेडी करंट जा रहा है I1, और इसके सराउंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है I1, फ्लक्स पर यूनिट टर्न ड्यू टू प्राइमरी और ड्यू टू विच करंट I1। अब मान लो ये दोनों बहुत पास में 100% लिंकिंग हो रहा है, यहाँ से जो पूरा फ्लक्स I1 इसे लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी is what? N2 into I1. Okay. Whole flux is linked. Generally, practically, देखो, practically पूरा flux link नहीं होता है. Practically, अगर हम लोग देखें, तो ये expression कुछ K into N2 I1 होता है. This K is a something coefficient of coupling के related है. Anyway, right now, we are not assuming this. We are assuming the 100% linkage. तो इस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इस कॉइल का बोलने से अच्छा इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों को मिलके गिवन बाय N2 Φ1 बाय I1। देखो दिस इज व्हाट, फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी ड्यू टू करंट इन टू यूनिट करंट इन प्राइमरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर N2 Φ1, ये आंसर है 1 Wb, और करंट I1 उस वक्त अगर 1 A है, तो इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1/1, दैट इज 1 A। अब दूसरी बात, ये सिस्टम कुछ ऐसा भी है कि अगर आप लोग
इसे प्राइमरी बना दे, इसे सेकेंडरी बना दे, या मतलब इसमें से करंट सेंड करते हैं और इसका फ्लक्स इसे लिंक होगा, दैट विल आल्सो वर्क। मतलब अगर आप यहां से चेंजिंग करंट सेंड करते हैं इस कॉइल से, तो वो इसे लिंक होगा, इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मतलब ये रेसिप्रोकल है, आप इसे प्राइमरी बना दो, इसे सेकेंडरी बना दो, या फिर इसे प्राइमरी बना दो, इसे सेकेंडरी बना दो, बट सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ एम बनेगा। हाँ, उस केस में कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ एम विल बी वर्किंग एज एन वन फाई टू बाय आई टू, कुछ इस फॉर्मूले से हम एम को डिफाइन करेंगे। एनीवे, तो दिस इज अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को और एक तरह से डिफाइन करेंगे, हम लोग एम को और एक तरह से डिफाइन करेंगे। हमने अभी देखा कि एम इज व्हाट, फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी करंट, और फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी सपोज डिनोटेड बाय फाई एस। सो फाई एस इज बेसिकली एन टू फाई वन, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्चुअली फाई एस इज के एन टू फाई वन, देयर इज सम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एनीवे, so this is suppose flux linkage phi s. So flux linkage phi s can be primary current into m. See, this is a flux linkage. So this taken here. So m into primary current is denoted by I1 suppose. I1. Okay. Now the EMF induced in secondary ES is, we know that it is minus n2 d c, sorry. Now we know that this phi s is actually proportional to I1, so we can say that phi s is proportional to I1. So EMF induced in secondary is minus n2, sorry, minus d by dt of phi s. This is as per the Faraday's law. Okay, flux linkage ka derivative. So it is minus d by dt of, now what is phi s? Basically m into I1. So minus m d I1 by dt is a es. So anyway, so m can be defined as magnitude of ES upon dI1 by dt. See, if you take a magnitude of ES, then that negative sign get absorbed dI1 by dt. So M can be defined like this. Matlab kya? Agar one volt EMF induce hota hai secondary mein, jab ye secondary mein one volt EMF induce hota hai, jab primary se current 1 ampere per second se change hota hai, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम बनेगा 1 हेनरी, 1 अपॉन 1. सो व्हेन आई से दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम इज 1 हेनरी, इट मींस दैट इफ 1 एम्पीयर पर सेकंड इज द चेंज इन प्राइमरी, देन 1 वोल्ट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। ये 1 होना चाहिए जब ये करंट प्राइमरी का 1 वोल्ट 1 एम्पीयर पर सेकंड से चेंज होता है। सो एम का यूनिट वैसे ऐसा भी बनेगा वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड, तो होल्ड सेकंड पर एम्पियर, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज, इसे ही हमने हेनरी नाम दिया। अब बात राइज होती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस चीजों पर डिपेंड होता है, ये पूरे सिस्टम पर डिपेंड होता है, शेप ऑफ द कॉइल्स, साइज ऑफ द कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, मतलब एन वन एन टू दोनों, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, एंगुलर ओरिएंटेशन बिटवीन द कॉइल्स, एंड मीडियम बिटवीन द कॉइल्स। अब मीडियम मतलब अगर आप कोर यूज कर रहे हैं, आयरन कोर वगैरह, तो इट विल बी बेटर। सो शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, एंगुलर ओरिएंटेशन बिटवीन द कॉइल्स, एंड मीडियम यूज बिटवीन द कॉइल्स, ये पूरे सिस्टम पे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम क्या होता है, डिपेंड होता है। देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर कोई है तो ट्रांसफॉर्मर है। ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी के ऊपर ही ऑपरेट करता है, यू डोंट ऑपरेट ट्रांसफॉर्मर ऑन डीसी। तो इसीलिए नहीं,
कि अगर एक बार करंट सेटल हो गया तो फिक्स्ड करंट अगर प्राइमरी से फ्लो होता है तो सेकेंड प्राइमरी में भी कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा और सेकेंडरी में भी नहीं होगा. सो वी ऑपरेट वी वांट ट्रांसफार्मर टू व्हिच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्शन. वी वांट अ चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी एंड दैट चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग फ्लक्स दैट विल लिंक ऑन द सेकेंडरी स्टेट. तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है. वी हैव अ कोर वी हैव अ आयरन कोर on which we have taken the windings. This is our primary winding, suppose, having NP number of turns, and there is one more winding, secondary winding, having NS number of turns. Okay. Now, इस primary को हम AC supply देंगे. AC supply मतलब जिसका voltage with respect to time इस तरह change हो रहा है. जो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. इस तरह का सप्लाई अगर आपने प्राइमरी में दिया तो प्राइमरी से जो करंट फ्लो होगा वो भी कुछ इसी तरह का करंट फ्लो होगा चेंजिंग करंट. तो इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोर के अंदर, देखो कोर का काम है फ्लक्स को ले जाना. कोर इज नॉट सी दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर इंसुलेटेड वायर्स. देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. क्या मैग्नेटिकली कपल्ड. तो प्राइमरी से जो चेंजिंग करंट भेज रहे हैं हम लोग उसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिंक होगा और यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा. यस, और प्राइमरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन. यस ओके. मान लो फायर इज व्हाट फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ द सिस्टम. देखो यहाँ एक कॉन्स्टेंट फ्लक्स है. फ्लक्स पर यूनिट टर्न अगर हमने फायर मान लिया तो हाउ मच इज द फ्लक्स लिंकेज ऑफ प्राइमरी इज एनएस सॉरी एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड फाइव एंड फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी इज एनएस इनटू फाइव. ओके, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी सो दिस इज ईपी सॉरी ईपी is minus NP, see, minus d by dt of flux linkage, that is NP phi, so minus NP d phi by dt. जो क्या है primary में जो flux, sorry primary में जो EMF produce होगा ये इस तरह, और secondary में जो index EMF produce होगा ES, that will be you can prove as d by dt of flux linkage in secondary is NS phi. That is minus ns d phi by dt, where ns is the number of turns in the secondary. Okay, so we have these two expression. So actually, we can have different possibilities between. See, d phi by dt is constant, but what is changed? Np and ns. So we can take a ratio. Ep upon es is can simply NP upon NS. तो हम यहाँ जो voltages है उसको control कर सकते हैं. मान लो आपने NP greater than NS रख दिया तो जाहिर सी बात है EP will be greater than ES, मतलब secondary में जो voltage induce होगा वो primary से कम होगा. This is something known as step down transformer. देखो transformer का क्या use है, यहाँ भी AC दे रहे हैं यहाँ भी AC मिल रहा है, दोनों के बीच कोई direct connection नहीं है, isolation है, लेकिन यहाँ आप ज्यादा वोल्टेज देंगे यहाँ कम ले सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करके. लुक एट दिस, ईपी इज मोर देन ईएस, वी गॉट अ स्टेप डाउन. इफ सपोज अनदर पॉसिबिलिटी व्हेन एनपी इज लेस देन एनएस, प्राइमरी में कम टर्न्स है सेकेंडरी में ज्यादा है, तो इट इज वेरी क्लियर दैट ईपी विल बी लेस देन ईएस, इट इज स्टेप अप. मतलब यहाँ कम वोल्टेज देंगे आप ज्यादा वोल्टेज ले सकते हैं, वोल्टेज को बूस्ट कर सकते. Of course, power will remain same. We'll discuss that point as well. But we can increase or decrease the voltage. If both the number of turns are same, you can say the special case NP is equal to NS, then in that case EP is equal to ES. That is just an isolation. No voltage step up or step down. It can be used only for isolation purpose. Now, what about the powers? Now, we'll discuss the powers as well.
See, primary में कितना power है? You can simply say it is a EP into IP, primary voltage into primary current. Now the, if suppose we are assuming there is no losses due to heat and eddy current and all that, actually for practical transformer में आपको copper loss, eddy current loss के बारे में discuss करना होता है, ideal transformer मान के चल रहे हैं. Input power is equal to output power. Now what is output power? Input power is EPIP. Suppose यहाँ से flow होने वाला current IP, यहाँ से flow होगा जो कि इधर आप load लगा रहे हैं, assuming actually we have no load conditions as well. तो यहाँ से जो current flow हो रहा है वो IS है. तो EPIP is what? Primary में कितना power दिया और secondary में कितना power दिया, assuming no losses. So EP upon ES is IP upon IS. You got this? Sorry, EP upon ES is IS upon EP, which is NP upon NS. Okay, मतलब is very simple. अगर यहाँ voltage बढ़ रहा है, तो इधर current कम हो जाए, और अगर इधर voltage कम हो रहा है, तो current ज़्यादा रहेगा, so that the product of primary VA and secondary VA will remain the same. So this is what the many standard expressions about the transformer. देखो अब सबसे बड़ा एप्लीकेशन फैराडेज लॉ का हम जो देखने जा रहे हैं वो है जनरेटर. आपने शायद जनरेटर देखा होगा बहुत से शॉप्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में. दे कैन नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई, मतलब अगर सप्लाई लोड शेडिंग होता है तो वो लोग अपना खुद का जनरेटर स्टार्ट करते हैं. ये जनरेटर होता क्या है? एक्चुअली जनरेटर वैसे देखा जाए तो एक डीजल मशीन की तरह है. जनरली डीजल के ऊपर चलने वाले जनरेटर मैक्सिमम यूज होते हैं, केरोसिन पे भी होते हैं. तो यहाँ एक गाड़ी जैसा मशीन है, डीजल इंजन है. तो इस इंजन के अंदर एक मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. सी विल रोटेट द कॉइल. जैसे अभी अगर गाड़ी का डीजल इंजन है तो हम लोग डीजल इंजन चलाते हैं तो गाड़ी का व्हील रोटेट होता है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग दैट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. यहाँ भी कुछ ऐसा है, डीजल मशीन, डीजल इंजन अगर चलता है तो वो डीजल कंज्यूम करेगा और इस कॉइल को क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा. और इस कॉइल के आउटपुट में हम देखते हैं ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका नेचर कुछ ऐसा होगा, इस तरह का एसी सप्लाई. अब ये नेचर ऐसा क्यों है ये सब हम जानेंगे. ओके, सो ये सप्लाई फिर हम लोग किस काम में लेंगे? इस सप्लाई पे हम लोग जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाता, लोड शेडिंग खत्म नहीं होता, इसमें सारा फैक्ट्री का लोड हो सकता है या फिर घर का लोड हो सकता है हम चलाएंगे, और जब वापस इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी हो सकता है फिर हम इसे बंद कर देंगे, लाइक दिस. सो ये जनरेटर का एक प्रिंसिपल, ये जनरेटर का वर्किंग हमें यहाँ जानना है, और एसी सप्लाई की बेसिक्स हमें जाननी है कि एसी सप्लाई जनरेट कैसे होता है. तो हम एक सिस्टम मान रहे हैं, अभी हमने देखा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, और एक कॉइल है इस तरह का, लाइक दिस 3D में ऐसे करो. ये कॉइल का एक टर्न लिया मैंने, मान लो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं. अभी हम लोग मान लो कि n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, लाइक दिस, इस तरह का कॉइल है. यहाँ पे इसके n नंबर ऑफ टर्न्स है ये कॉइल. अब चाहो तो इस डस्टर को आप कॉइल मान सकते हैं. ये सामने से डस्टर ऐसा दिख रहा है, ये एक्चुअली बीच में का पोर्शन नहीं है, ऐसा मान लो आप, ये कॉइल है. ओके, और इस डस्टर को हम इस तरह घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जा रहा है किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से, और ये डस्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आप घुमा रहे हैं, ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन में एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा. ओके, हम लोग UCM कर रहे हैं, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा. तो
इस क्वाइल का जो फ्लक्स लिंकेज है, इस देखो अब इस क्वाइल का एक एरिया मान लिया हमने, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल का एरिया जैसे ए है, तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ क्वाइल इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी इनटू ए. देखो ये तो गया फाइव फ्लक्स पर यूनिट टर्न इनटू एन एन नंबर ऑफ टर्न्स. मान लो इस क्वाइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स है. अब जैसे ये कॉइल ऐसा है और मैक्सिमम फ्लक्स उसके साथ क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है. ऐसा फ्लक्स है परपेंडिकुलर इस कॉइल को. जब ऐसा हो जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा. जब ऐसा हो जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज बहुत ही कम हो जाएगा. ठीक है ना, अंडरस्टैंड. यहां से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है इस कॉइल से. जब वो टेढ़ा हो जाएगा इस तरह रोटेट होगा तो फ्लक्स लिंकेज कम 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 होते जाएगा. सो हम लोग एक सिंपल स्केच से इस चीज को दिखा रहे हैं. देखो यहाँ पे ये फ्लक्स है बी, ये कॉइल की अलग अलग पोजीशन है. मान लो ये एक पोजीशन, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू इतना ही पोर्शन में दिखा रहा हूं सामने से. आप ये 3D था, ये सामने से इतना ही पार्ट दिख रहा. तो यहां जो थीटा है, थीटा 90 है, मतलब ये एंगल बना रहा है कॉइल इस फील्ड के साथ. अब जब यहां कॉइल इस तरह रोटेट हो जाएगा, देखो ये कॉइल इस तरह जब घूमेगा तो थीटा एंगल प्रोड्यूस किया. इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंकेज होगा, देखो ये क्या, ये वाली टर्म कब होगी, जब थीटा 90 होगा, ये वाला एक्सप्रेशन. इन जनरल फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, देखो सॉरी यहां पे थीटा हम लोग इस तरह मेजर कर रहे हैं. सॉरी थीटा अभी जो थीटा, देखो यहां जब वो थीटा इधर रहेगा तो थीटा जीरो लेना है. सॉरी देखो इस तरह जब रहेगा अब थीटा इस तरह बढ़ेगा, इस तरह बढ़ेगा. अब जब हम घुमाएंगे तो थीटा बढ़ेगा. अभी फिलहाल मान लो ऐसा पोजीशन है तो थीटा क्या लेना है, जीरो लेना है. और थीटा 90 वाली पोजीशन कैसी रहेगी, देखो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है. जब ऐसा हो जाएगा कॉइल पूरी तरह, तब जाके थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा. ओके, तो थीटा जीरो, थीटा 90, फिर देखो ये अलग 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 एंगल्स हम लोग बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, अभी फिलहाल जैसे अगर ये वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है तो थीटा जीरो है. इस तरह थीटा बढ़ते 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 90 हो गया, फिर और बढ़ रहा थीटा 180 हो गया, फिर थीटा 270 और फिर से थीटा जीरो. सो फिर आगे और कंटिन्यू होगा एंगल, मतलब एक रोटेशन थीटा का 360, जीरो मतलब फिर से 360. देखो थीटा जीरो, 90, 180, 270, 360 मतलब फिर से जीरो. इस तरह थीटा बढ़ते 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 जाएगा. और हर एक केस में फ्लक्स लिंकेज का अगर हम जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाते हैं तो ये लिखना पड़ेगा कॉस थीटा. देखो जब थीटा जीरो है मतलब इस तरह है, तब कॉस जीरो वन है, तब मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा एन बी. हम लोग समझ रहे हैं इस केस में जब थीटा जीरो है, इस तरह कॉइल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को, तो थीटा जीरो है तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है. मतलब जब थीटा जीरो है तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, उस वक्त एन बी ए मैक्सिमम फ्लक्स. अब जब थीटा 90 हो जाएगा, इस तरह घूमते घूमते थीटा 90 हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लक्स बहुत कम लिंक हो रहा है, तो कॉस 90 जीरो है, फ्लक्स लिंकेज जीरो हो जाएगा. तो इन जनरल फ्लक्स लिंकेज इज एन ए बी कॉस थीटा. नाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड ई इज गिवन बाय E is equal to minus d. हम लोग अगर magnitude सोचते हैं तो d phi by dt. देखो हमें अभी sine से कोई लेना देना नहीं, यार interest in magnitude only. तो d by dt of now flux linkage is n b a cos of theta. Now theta is what? मान लो ये coil omega velocity से घूम रहा है. We can say that theta is omega t or theta is 2 phi f t. Where omega is 2 pi. ये सारे एक्सप्रेशन हमने सर्कुलर मोशन से जाने हैं. सो दिस एक्सप्रेशन NBA, देखो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ d by dt ऑफ cos ऑफ omega t लेना पड़ेगा थीटा का. दिस विल बिकम NBA omega आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ cos omega t इज माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा. एनीवे
Again, we are not interested in positive or negative signs. So, we can say E is simply NPA omega sine of omega t. Now, what is this? And what is this? ये थीटा है और ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये हमारी सिस्टम पे डिपेंड है. जैसे कि ओमेगा की वैल्यू आप चाहो तो 2 पाई एफ ऐसा भी लिख सकते हैं. E इज इक्वल टू, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब व्हाट, आप कॉइल को कितना फास्ट घुमा रहे हैं, कितने साइकिल रोटेशंस हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर. मान लो इस तरह ये कॉइल घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितने रोटेशंस कर रहा है ये वाली चीज f. और मान लो आप फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से घुमा रहे हैं तो ये पूरी सिस्टम क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई. ओमेगा कांस्टेंट है मतलब तो f कांस्टेंट है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम घुमा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन फिक्स कर दिया हमने, 1 सेकंड में कितने रोटेशंस करना है, दैट इज फिक्स्ड. तो f इज फिक्स्ड. सो व्हाट इज चेंजिंग, थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो sin ऑफ थीटा इज चेंजिंग. तो ये जो ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसका नेचर हम स्केच करेंगे अभी. ये एक्सप्रेशन पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग इसे स्केच करेंगे. आप साइन भी लेके कर सकते हैं, जैसे फैराडेज लॉ से हमने माइनस साइन ले लिया और यहां पे फिर से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. यू कैन टेक अ साइन एज वेल, मतलब यहां नेगेटिव साइन ले लो, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा, तो दिस माइनस माइनस विल गेट अब्सॉर्ब, तो फाइनली वी गेट द सेम एक्सप्रेशन. सो फॉर डिटेल में आपको पढ़ना है, यू टेक अ माइनस साइन है, फिर cos का डेरिवेटिव भी माइनस आ जाएगा और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन. एनीवे सो यू प्रेफर दिस इंस्टेड कि हम लोग साइन को नेगलेक्ट करें, यू गो इन दिस वे एंड अल्टीमेटली यू गेट द सेम एक्सप्रेशन. नाउ सी, लेट अस स्केच दिस, हम इसे स्केच करना चाहेंगे कि ये किस तरह सप्लाई जनरेट हो रहा है. देखो मान लो हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का हम एक फिक्स्ड स्पीड से कॉइल को घुमा रहे, तो हम लोग E इज इक्वल टू E जीरो साइन ऑफ ओमेगा t लिख सकते हैं. ओके तो अगर हम लोग टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो टाइम जैसे बदलेगा तो ओमेगा t बदलेगा, भले ही ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन ओमेगा t मतलब थीटा, तो थीटा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वर्स्ट केस क्या है, ओमेगा अगर 1 है तो थीटा इज t, अगर ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड है तो थीटा इज t. एनीवे दिस एक्सिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ t, बट एक्चुअली वी टेक इट इज अ ओमेगा t वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट. सो तो थीटा जो एंगल है वो रेडियन में हम स्केच करेंगे, मान लो 0 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, देखा हमने 0 फिर पाई बाय 2 इन दिस वे, फिर पाई रेडियंस, फिर 3 पाई बाय 2 रेडियंस, फिर 2 पाई एंड सो ऑन. तो आगे भी आप रोटेट करेंगे तो एंगल तो बढ़ते ही जाएंगे. तो साइन थीटा का ग्राफ हमें पता है, देखो साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, लेकिन इसके साथ किसने मल्टीप्लाई किया, ई जीरो ने. अगर मान लो साइन 91 है लेकिन ई जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर ई जीरो आएगा, ये साइन 180 पाई जीरो है तो नीचे आएगा था, साइन 270 3 पाई बाय 2 माइनस 1 है लेकिन ई जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस ई जीरो है, माइनस ई जीरो. इस तरह ये ग्राफ का नेचर है. तो जो सप्लाई जनरेट होगा, देखो सप्लाई जो जनरेट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ई जीरो, मतलब वो टॉगल हो रहा है प्लस ई जीरो से माइनस ई जीरो के पिच. और E0 किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, एरिया ऑफ द कॉइल और आप कितना फास्ट घुमा रहे, ये सारी चीजों पे आप. ओके देखो आपने गाड़ी के अंदर ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी का, जो हेडलाइट है साइकिल के केस में आप सोचो चाहे तो, साइकिल की पैडल को आप जोर से घुमा दे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा घूमने का, अंदर एक कॉइल घूम रहा है तो हेडलाइट ज्यादा इंटेंस ग्लो होता है क्योंकि वोल्टेज बढ़ता है. देखो ये वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, देखो इस कॉइल के बाहर हम लोग दो पॉइंट्स को टैप करेंगे, इसका मतलब स्टार्ट और एंड, और इस पे हमने एक बल्ब जला दिया है. यहाँ जो सप्लाई प्रोड्यूस हो रहा है वो ई है, ई, लेकिन ई कैसा है, देखो मान लो इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया और दूसरे वाले को हमने बी नाम दिया,
तो हम लोग ये जो नोट कर रहे हैं वोल्टेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नोट कर रहे हैं, देखो ये ग्राउंड लाइन बी है और ये वोल्टेज ऑफ ए। तो आप देखेंगे कि आधे रोटेशन तक जब कॉइल इस तरह स्टार्ट कर रहा है और 50% रोटेशन तक मतलब 180 डिग्री तक यहां जो प्रोड्यूस होगा हो सकता है ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, तो साइकिल ये स्केच होगा और इन दोनों के बीच वोल्टेज बढ़ते 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 ई जीरो तक पहुंचेगा और फिर कम होगा। फिर 50% रोटेशन के बाद मतलब यहां से यहां फिर आगे वाले 180 डिग्री का अगला साइकिल कैसा बनेगा, जब कॉइल आगे घूमेगा उस वक्त आप उल्टा ऑब्जर्व करेंगे ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये साइकिल स्केच होगा और इन दोनों के बीच वोल्टेज फिर से बढ़ता 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 मैक्सिमम ई जीरो तक जाएगा और फिर कम होगा और ये रिपीट होते रहेगा, मतलब कभी ये पॉइंट प्लस बनेगा ये माइनस, कभी ये प्लस ये माइनस और दोनों के बीच वोल्टेज भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। इस टाइप का जो सप्लाई है दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग सप्लाई और एसी सप्लाई। बहुत बड़ा फैराडेस का इन्वेंशन रहा। सो आज हम लोग घर में जो बिजली देखते हैं जो हमारे यहाँ के पावर प्लांट्स है वहां कुछ इस तरह का सिस्टम काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और इस तरह का एसी सप्लाई जनरेट हो रहा है और हमारे घरों में भी इस तरह का सप्लाई अवेलेबल है। हमारे घर में जो दो पॉइंट्स देख रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला पॉइंट तो आर्थिंग का ही छोड़ दो, ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं हम लोग प्लग के अंदर उसमें एक ए है और एक बी है और ये जो वोल्टेज घर में है मैक्सिमम 230 √2 होता है, ये पिक वैल्यू है, पिक वैल्यू हमारे घरों में। ओके, और फिर जो RMS वैल्यू है वो 230। अब ये सारे चीजों को हम जानेंगे कि पिक वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू इससे थोड़ा कम लेवल पे RMS वैल्यू होती है, इनके बीच कुछ एक्सप्रेशन है दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट द जनरेशन ऑफ एसी सप्लाई, दिस इज व्हाट द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस ई जीरो डिपेंड्स ऑन द सिस्टम एंड दिस इज व्हाट अ टाइम डिपेंडेंट और साइन थीटा वी कैन से दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ सिनोसाइडल। देखो अगर ये E0 नहीं होता तो ये टॉगल होता प्लस माइनस वन में, लेकिन E0 की वजह से ये हायर लेवल पे टॉगल हो रहा है और E0 डिपेंड करेगा इस सारी चीजों पे।